राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे मित्रों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आटा गूंथने के बारे में। जी हाँ, हर घर में माता बहनें आटा गूंथती हैं, अपने परिवार के लिए भोजन बनाती हैं, उनका पालन पोषण करती हैं। लेकिन देखिए, आटा गूंथते समय यदि हम कुछ असावधानियां बरतते हैं तो उसका खामियाजा पूरा परिवार भुगतता है। इसलिए हमें आटा गूंथते समय कुछ मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। तो ये वीडियो स्पेशली माता बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो मेरी सभी माता बहनों से विनती है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर सुने। देखिए, भारत वर्ष में तकरीबन हर हिस्से में रोटी खाई जाती है। सब लोग रोटी बनाते हैं और सुबह शाम की दिनचर्या यही रहती है कि रोटी बनाई जाती है, रोटी खाते हैं। ये भी कह सकते हैं कि रोटी भारतीय भोजन का महत्वपूर्ण अंग है। हर घर में रोटी पकाई जाती है और इसके लिए रोज आटा गूंथा जाता है। लेकिन ये बात कम ही लोग जानते हैं कि आटा गूंथते समय की गई कुछ गलतियां बहुत भारी पड़ सकती हैं। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में आटा गूंथने संबंधी कुछ नियम बताए गए हैं। यदि इन नियमों का पालन किया जाए तो बहुत लाभ होता है, वरना ये पूरे परिवार के लिए बड़ी समस्या का कारण बन सकते हैं। देखिए प्यारे मित्रों, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जब भी हम आटा गूंथते हैं तो आटा गूंथते समय हमें आटे में थोड़ा सा दूध मिला लेना चाहिए और दूध के साथ थोड़ी सी हम उसमें चीनी, चुटकी भर चीनी, दूध और आटा, इन तीनों को हम साथ में गूंथते हैं तो तीनों का जो सफेद मिश्रण बनता है और आटा गूंथ कर जो आता है वो बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। और ऐसे आटा गूंथने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, परिवार के लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। तो ध्यान रखें दोस्तों, सबसे पहला नियम है वो यही है कि जब भी आप आटा गूंथ रही हैं तो चुटकी भर उसमें चीनी के दाने डाल लें और थोड़ा सा उसमें दूध डाल लें तो उसमें से एक बहुत ही अच्छी भीगी भीगी स्मेल आती है जो कि बहुत अच्छी होती है। माता लक्ष्मी को ये जो अच्छी अच्छी स्मेल आती है वो बहुत पसंद है और माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। यदि आप तीनों चीजें सफेद मिलाकर आटा गूंथते हैं तो उसका जो भोजन है बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। अब यहाँ पर दूसरा जो नियम है वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब भी आप आटा गूंथ रही हैं तो एक बड़े पात्र में लें, अच्छा पात्र होना चाहिए। आटा गूंथते समय जो महिलाएं आटा फैलाती हैं उनके घर में कभी भी बरकत नहीं आती है। मैंने बहुत से घरों में महिलाओं को आटा गूंथते समय देखा है कि वो क्या करती हैं, परात में से इधर उधर आटा टपक जाता है और फिर वो उसी आटे को इस्तेमाल करने लग जाती हैं। हमें ऐसा नहीं करना। आटा गूंथने का जो बर्तन है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए जिसमें से कि आटा बाहर ना फैले, ठीक है। तो आटा गूंथते समय आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं फैलाना, अच्छी तरह से आटा गूंथना है। नियम नंबर तीसरा है कि आटा आप गूंथ रही हैं तो गूंथने के बाद उसका आप गोला बनाकर ना रखें। गोला बनाकर आटा रखना बहुत ही ज्यादा अशुभ रहता है। ऐसा कहा जाता है कि जब किसी मृत परिजन के लिए पिंड बनाए जाते हैं तो वो गोल आकृति के पिंड बनाए जाते हैं, तो इस तरीके से आपको भूल कर भी जब आप आटा गूंथ रही हैं तो वो गोल आकृति में नहीं आपको रखना है। आपको हमेशा थोड़ा सा परात में वो फैला देना है, आटा गूंथने के बाद थोड़ा सा फैला देना है। और आटा गूंथने के बाद जब आप उसे परात में अच्छी तरह से लगा देती हो तो उस पे आप अपनी उंगली के चिन्ह जरूर लगा दें, आप अपनी उंगलियों के निशान उस पर लगा दें, क्योंकि जो पिंड होता है वो बिल्कुल वैसा ही बनाया जाता है, गोल होता है और उस पे किसी भी प्रकार का हाथ का निशान नहीं बनाया जाता। तो इसलिए जब आप सादा आटा गूंथ रही हैं तो वो थोड़ा सा थाली में उसमें परात में फैला दें और उस पर अपनी उंगलियों के निशान जरूर बनाएं। तो ये एकदम शुद्ध आटा होता है, अच्छा होता है। इसकी रोटी आप अपने परिवारजनों के लिए बनाते हो तो वो अच्छी होती है और वो निरोगी और स्वस्थ रहते हैं और उनके तन को ये भोजन लगता भी है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चौथा नियम है कि आटा हमेशा आप इतना माड़ें कि वो बचे नहीं, क्योंकि बचा हुआ आटा महिलाएं क्या करती हैं, वो फ्रिज में रख देती हैं। फ्रिज में रखा हुआ आटा पिंड के समान होता है और वो नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो भूल कर भी आपको आटा फ्रिज में नहीं रखना, बचा हुआ आटा फ्रिज में नहीं रखना। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि दो तीन रोटी का आटा बच रहा है तो आप उसकी रोटी बना लें और रोटी बनाकर आप गाय, कुत्ता, बंदर किसी को भी खिला सकती हैं, लेकिन उसको पिंड बनाकर फ्रिज में बिल्कुल भी ना रखें। बहुत ही ज्यादा उसको
अशुभ माना गया है। साथ ही साथ यदि आप भूते हुए आटे की रोटी खाते हैं तो वो भी बहुत खतरनाक बीमारियां हमारे शरीर में बनाता है, तो इसलिए हमें उस आटे बचे हुए आटे की रोटी भी नहीं खानी है जो कि बहुत पुराना मड़ा हुआ रखा है। आपने उसकी रोटी बना ली तो वो बीमारियां तो लाता ही लाता है, हमने रोगी बनते हैं, साथ ही साथ हमारे घर में दरिद्रता भी आती है। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि बचा हुआ आटा आपको फ्रिज में गोला बना के नहीं रखना है, उसकी तुरंत आप रोटी बना लें और किसी भी जानवर के लिए वो रोटी आप बाहर रख दें, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। लास्ट नियम यह है कि जब भी आप आटा गूंथती हैं तो गूंथने के बाद हमेशा थोड़ा सा उसमें से आटा निकालकर भगवान को अर्पित जरूर करें, माता अन्नपूर्णा को भी जरूर अर्पित करें, उन्हीं के आशीर्वाद से आपको भोजन मिल रहा है, आपको रोटी मिल रही है। तो जब भी आप आटा गूंथती हैं तो थोड़ा सा आप आटा लेकर तवे पे भगवान के नाम के लिए रख दें कि ये आटा उनके लिए समर्पित है, तो ऐसा आप जरूर करें। तो प्यारे मित्रों, प्यारी बहनों, ये वीडियो मैंने आपको बताया कि आटा गूंथते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि आजकल की जो माताएं बहनें हैं मैंने देखा है कि वो अगर वर्किंग है, कार्य करती हैं, तो वो क्या करती हैं कि रात में ही आटा गूंथ के रख देती हैं, जो कि बहुत ज्यादा अशुभ है। वो चाहती हैं कि सुबह जब उठे तो उठते ही उनको गुथा हुआ आटा मिल जाए और उसकी रोटी बनाकर वो खुद ले जाए और परिवार के लिए रख दे। अगर आप ऐसा नियमित तौर पर कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने परिवार के सदस्य को बीमार बना रही हैं और खुद भी बीमार हो रही हैं। साथ ही साथ अगर आप रात में आटा गूंथ कर ही रख देती हैं सुबह के लिए, तो वो एक पिंड का काम करता है जो कि नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में प्रवेश करने के लिए द्वार दे रहा है। तो आपको भूल कर भी रात में आटा गूंथ कर नहीं रखना है, अच्छा रहेगा कि आप सुबह जल्दी उठकर और आटा ताजा ही गूंथें, क्योंकि हम उस आटे में से भगवान के लिए भोग निकालते हैं, भगवान के लिए रोटी बनाते हैं, गाय के लिए रोटी बनाते हैं, और गाय में तो सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो गाय को तो कभी भी बासी आटे की रोटी नहीं खिलानी चाहिए। तो प्यारे बहनों, कोशिश करें कि आटे को अच्छी तरह से गूंथें, बासी आटे की रोटी ना बनाएं और बचे हुए आटे को फ्रिज में तो बिल्कुल भी भूलकर ना रखें। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मैं इसी तरह से इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूंगी। मैं नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।